दोस्तों डिजीपेल लाइट सीएससी का जो न्यू वर्जन है उसको आप मोबाइल पे किस प्रकार से यूज करेंगे, किस प्रकार से डाउनलोड करेंगे, लॉगिन करेंगे या केवाईसी कंप्लीट करेंगे, मैं पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने वीडियो के माध्यम से आपको वेब पोर्टल की पूरी जानकारी यहाँ पे दे दी थी कि आप वेब पे इसे किस प्रकार से यूज करेंगे, लैपटॉप पे किस प्रकार से लॉगिन करेंगे या अन्य जानकारी किस प्रकार से वहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे यदि आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के वहाँ पे पूरी जानकारी डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगा, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम मोबाइल पे देख लेते हैं हम मोबाइल पे किस प्रकार से इसे यूज करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं यह एप्लीकेशन मर्चेंट एजेंट के लिए सीएससी के द्वारा लॉन्च की गई थी, लेकिन अभी इसका आईडी और पासवर्ड जो है वो सीएससी वैलिड को भी देना शुरू कर दिया है। तो अब आप यहाँ पे किस प्रकार से लॉगिन करेंगे, आईडी पर पासवर्ड आपको किस प्रकार से मिलेगा वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दें। आप यहाँ पे कुछ लिंक्स देख रहे हैं, यहाँ पे फर्स्ट लिंक जो है वो पोर्टल का लिंक है। यहाँ पे यदि आप वेब पे यूज करना चाहें जैसे कि मैंने आपको बताया यह लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे जितने भी लिंक यहाँ पे दिए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे डाउनलोड लेटेस्ट डीजीपे लाइट अपडेट ऐप यानी कि जो लेटेस्ट ऐप रहेगी वो आपको इस लिंक से मिल जाएगी। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके जो अपना मोबाइल है आपका उसमें एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद आप किस प्रकार से यूज करेंगे वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। यहाँ पे यदि आप वीडियो देखना चाहें कि इस प्रकार से आपको वेब पे यूज करना है, किस प्रकार से मोबाइल पे यूज करना है, यदि आप किसी अपने दोस्त को किसी मित्र को भेजना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसको डाउनलोड करके और वहाँ से भेज सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप यहाँ पे हमारा टैली करते हैं तो यहाँ पे ज्वाइन करके और जानकारी लगातार अपडेटेड जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। उसी के साथ यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप भी आपको मिल जाएगा, यहाँ से आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ मोबाइल पे किस प्रकार से आप इसे यूज करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको सेकंड नंबर वाला जो डाउनलोड लेटेस्ट डीजीपे लाइट अपडेट ऐप है इस वाले लिंक पे क्लिक करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस प्रकार से आपके सामने डाउनलोड का जो ऑप्शन है वो खुल जाता है। यहाँ पे यदि आप चाहें अपने मोबाइल से इस QR कोड को स्कैन करेंगे और यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मैं आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने पहले से डाउनलोड किया हुआ है लेकिन मैं यहाँ पे आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। तो जैसे ही आप यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने इस प्रकार से जो एप्लीकेशन डाउनलोड का नोटिस है वो आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ पे आपको डाउनलोड कर लेना है। यदि आपके सामने इस प्रकार से फाइल माइट बी हार्मफुल लिख के आए तो दोस्तों आपको फिर भी यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर देना है क्योंकि ये ट्रस्टेड लिंक है जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। जब आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये डाउनलोड होनी शुरू हो जाएगी। देख रहे हैं हमारे पास डाउनलोड हो गई है। तो यहाँ पे हम इस पर क्लिक करेंगे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे हमारे सामने अननोन सोर्स करके यानी कि देखिए हमारे सामने इस प्रकार से नोटिस आता है, क्रोम की तरफ से नोटिस आता है। आपको यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करना है। जब आप सेटिंग पे क्लिक करेंगे जो आप बाहर से एप्लीकेशन लेते हैं यहाँ पे आप नीचे की तरफ क्रोम ब्राउजर को देख सकते हैं, यहाँ पे ये ब्लॉक हुआ है। तो देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे ये यहाँ पे ब्लॉक किया गया है। आपको यहाँ पे क्लिक करके इसको आलो करना है यानी कि आपको स्क्रॉल करना है इसको दूसरी तरफ। जब आप इसको स्क्रॉल कर लेंगे और स्क्रॉल करने के बाद आप इसको परमिशन दे देंगे तो परमिशन देने के बाद ये एप्लीकेशन आपके फ़ोन में इंस्टॉल होने के लिए रेडी हो जाएगी। ये एप्लीकेशन जो है आपके फ़ोन में देखिए अपडेट करके लिख के आ गई है। आपको अपडेट पे क्लिक करना है। जब आप यहाँ अपडेट पे क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉल होनी जो है वो शुरू हो जाती है। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ अपडेट पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे हम अपडेट पे क्लिक किया देखिए हमारे सामने ये इंस्टॉलिंग होनी शुरू हो गई। देखिए हमारे सामने डन और ओपन लिख के आया है तो हमें ओपन करना है। यहाँ पे हमारे सामने लोगो आ चुका है डीजीपे लाइट का। यहाँ पे इस प्रकार से ये चार आपको जो परमिशंस हैं वो दे देनी है। तो चलिए यहाँ पे जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे तो कंटिन्यू करने के बाद आपको ये जितनी भी एप्लीकेशन की परमिशंस हैं वो अलो करनी है। देखिए हमारे सामने जैसे ही हमने कंटिन्यू किया तो यहाँ पे वाइल यूजिंग दी ऐप आपको फर्स्ट वाले पे क्लिक करना है, आपको इसको परमिशन देनी है। उसके बाद आपको अलो करना है और अलो करने के बाद देखिए हमारे सामने ऑल परमिशन दे दी गई हैं और यहाँ पे साइन इन के लिए जो पेज है वो ओपन हो गया है। यहाँ पे आप ऊपर की तरफ यूजर नेम किस प्रकार से डालेंगे आप जानते हैं। यहाँ पे सभी जितने सीएससी वीएलई हैं उनको एक गूगल फॉर्म जो है वो फिल करने के लिए दिया गया था। यहाँ पे आप जानते ही हैं यहाँ पे ट्रांजैक्शन की जो समस्या है बहुत कम है। तो यहाँ पे जितने भी वैली ने अपना फॉर्म वो फिल किया था तो उनकी जो सीएससी आईडी है उसके सामने 01 लगाने के बाद नहीं जितनी भी सीएससी आईडी है वो डाल देनी है। जैसे कि आपकी सीएससी आईडी कुछ भी रहेगी आपको उससे पहले 01 लगा देना है और नीचे की तरफ आप पासवर्ड में कैपिटल सी लिखेंगे और उसके बाद शॉर्ट में
SC लिखेंगे, यानी कि CSC का सी आपको कैपिटल रखना है, बाकी जितने भी वर्ड रहेंगे वो आपको शॉर्ट में यानी कि छोटे लिखने हैं। फिर @1234 इस प्रकार से आपको यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे मैं आपको ज़रूरी बात बता देता हूँ, यदि आपके पास पासवर्ड नहीं है तो आप नीचे की तरफ यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फॉरगॉट पासवर्ड दिया गया है। यदि आपके पास पासवर्ड नहीं है तो आप यहाँ से फॉरगॉट पासवर्ड करेंगे और अपनी जो आईडी है, जैसे कि आपने 01 लगा के और CSC आईडी आपको टोटली लिख देनी है, पासवर्ड है वो कर देना है। और आपका जो मोबाइल नंबर रहेगा रजिस्टर्ड CSC के साथ, आपको अपना आईडी और पासवर्ड मिल जाता है, आपको उससे लॉगिन कर लेना है। दोस्तों हमने आईडी पासवर्ड डाल दिया है, तो लॉगिन करेंगे, OTP जो है आपके मोबाइल नंबर पे चला जाता है। तो आप यहाँ पे जो OTP रहेगा, आपके मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड रहेगा, आपने गूगल फॉर्म पे जो मोबाइल नंबर दिया है या आपके CSC के साथ में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पे OTP चला जाएगा, आपको यहाँ पे OTP डाल देना है। तो दोस्तों OTP हमारे पास आ चुका है, हम इसे वेरीफाई कर देते हैं। तो जैसे ही आप वेरीफाई कर देते हैं, यहाँ पे आपको एक MPIN जनरेट करना होता है, जिससे कि आप लॉगिन करते समय डालेंगे। यहाँ पे 6 डिजिट का कोई भी MPIN आप जनरेट कर सकते हैं, कोई भी अपनी मर्जी से जिसको आप याद कर सकें। तो चलिए हम यहाँ पे एक MPIN अपना जनरेट कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे MPIN जनरेट कर लिया है। MPIN जनरेट करने के बाद आपको वेरीफाई MPIN पे क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे वेरीफाई MPIN कर लेते हैं, यहाँ पे MPIN हैज बीन चेंज्ड का जो मैसेज है आपके पास आ जाता है। तो आपको कुछ समय यहाँ पे वेट करना है और ये लोडिंग होने के बाद आप यहाँ पे लॉगिन कर पाएंगे। आपको ध्यान रखना है, आपको अपना MPIN जरूर याद रखना है, विदाउट MPIN आप यहाँ पे लॉगिन नहीं कर सकते। ऐसे ही आप यहाँ पे MPIN जनरेट कर देते हैं, यहाँ पे इस प्रकार से आपके सामने मोबाइल पे डैशबोर्ड खुल जाता है। आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपके सामने क्लोज ऐप और साथ में यहाँ पे स्टार्ट योर KYC, इस प्रकार से जो दो ऑप्शंस हैं आ जाते हैं। तो वीडियो को बगैर स्किप किए बिल्कुल ध्यान से लास्ट तक जरूर देखें और पूरी KYC कंप्लीट करें, उसके बाद आप इस एप्लीकेशन को यूज कर पाएंगे। आपको स्टार्ट KYC पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपना जो मोबाइल नंबर रहेगा जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दिया था, तो वो यहाँ पे आपको शो हो जाता है। आपको यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करना है और जैसे ही आप यहाँ वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपके पास OTP जो आपका रजिस्ट्रेशन किया हुआ मोबाइल नंबर है उस पे OTP चला जाएगा। तो आपको वो OTP यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे आपको आवाज़ आ रही होगी, यहाँ पे मोबाइल पे हमारे OTP आ चुका है, पे नीचे की तरफ क्लिक कर देना है। जब आप सबमिट पे क्लिक करेंगे उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी ईमेल वेरीफिकेशन का जो हमारे पास नोटिस आया हुआ है, आप यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। तो चलिए हम वेरीफाई करते हैं और ध्यान रखना है आपकी जो ईमेल यहाँ पे शो हो रही है आपकी वो एक्टिव कंडीशन में होनी चाहिए। यहाँ पे ईमेल के साथ ही आपके पास OTP भेजा जाता है जिसको आपको यहाँ पे वेरीफाई करना होता है। तो मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे जो ईमेल है हमारे पास आ चुका है, तो चलिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। इस प्रकार से आप यहाँ पे डाल देंगे, उसके बाद आप नीचे की तरफ सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पे देखेंगे वेलकम लिख के हमारे सामने आ चुका है। अब आपको यहाँ पे कंप्लीट योर KYC कर देनी है। सबसे पहले आपको यूजर कंसेंट और डिक्लेरेशन दिखाई दे रहा है, मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। आप यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे यूजर कंसेंट एंड डिक्लेरेशन, पैन वेरिफिकेशन सेकंड ऑप्शन है और थर्ड है यहाँ पे आधार वेरिफिकेशन और बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको खुद से यहाँ पे फिल करनी है। तो चलिए हम ये कंप्लीट जो प्रोसेस है वो कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ डिक्लेरेशन फॉर्म को कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट KYC करेंगे और यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जो डिक्लेरेशन फॉर्म है वो आ चुका है। यदि आप चाहें तो ये पूरा कंसेंट आप पढ़ सकते हैं, आप यहाँ पे पूरा कंसेंट जो रहेगा वो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे नीचे की तरफ 3 ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पे आपको इनको टिक करके या इनको स्क्रॉल करके आपको ब्लू कलर में कर देना है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से आपको करना है। यहाँ पे आप इसको टिक कर देंगे, जब आप इसको टिक कर देंगे IMA रेजिडेंस ऑफ इंडिया, यानी कि आप जो भारत के निवासी हैं, तो यहाँ पे आप इसको स्क्रॉल करके और यहाँ पे ब्लू कर देंगे। IAM फिजिकली प्रेजेंट इन इंडिया, यानी कि आप अभी शारीरिक तौर पे इंडिया में मौजूद हैं, अभी यहाँ पे इंडिया में हैं, तो आप इसको भी ब्लू कर देंगे। उसके बाद IAM अबव 18 ईयर एज, तो आप 18 साल से अप हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से ये तीनों डिक्लेरेशन आपको ओके कर देने हैं। अब आई एग्री पे आपको क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे आ जाते हैं तो आपको यहाँ पे पैन अपना वेरीफिकेशन कंप्लीट करनी है। तो किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पे बीच में आप देख रहे हैं आपको यहाँ बिल्कुल सेंटर में
एक कैमरा दिखाई दे रहा है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। आपको इसके सामने अपना जो पैन कार्ड है वो रखना है। तो चलिए मैं यहाँ पे पैन कार्ड रख देता हूँ। पे हमारे पास इंस्ट्रक्शंस आ गए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो टिप्स हैं। प्लेस इट विद इन द बॉक्स, आपको बॉक्स के बिल्कुल सेंटर में रखना है, जैसे कि यहाँ पे आप देख भी रहे हैं, यहाँ पे दिखाया गया है। इस प्रकार से आपको अपना पैन कार्ड बीच में रखना है। जब कैमरा आपके सामने ओपन होगा आप इस प्रकार से, आपको इस प्रकार से कटिंग में नहीं रखना है। आप इस तरफ से देखेंगे यहाँ पे शेप जो है कटी हुई है, इस प्रकार से आपको कट में नहीं रखना है। सेकंड, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे किसी प्रकार की फ्लैश आपको नहीं लगानी है। यदि फ्लैश आप लगाएंगे तो बहुत ध्यान से लगाएंगे, जो चमक है वो आगे की तरफ कैमरे की तरफ इसका कोई भी प्रभाव ना पड़े। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार से आपको करनी है। प्रोसीड कैप्चर आईडी करेंगे। जब आप कैप्चर आईडी करेंगे ये आपके सामने, यहाँ पे देखिए हमारे सामने कैमरा ओपन हो चुका है। तो अब आप इसके सामने अपना जो पैन कार्ड है वो रखेंगे। किस प्रकार से रखेंगे, यहाँ पे आप इस प्रकार से जो अपना पैन कार्ड है बिल्कुल सेंटर में आपको रखना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कैमरा हमारा बिल्कुल साफ है, और आपका जो डॉक्यूमेंट है आपको किसी प्रकार की यहाँ पे फ्लैश नहीं होनी चाहिए। और एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे लेमिनेशन आपको अपने पैन कार्ड पे नहीं रखनी है, कोई भी इस प्रकार की रुकावट ना हो, और बिल्कुल सेंटर में रखना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने बिल्कुल साइडें यहाँ पे छोड़ दी हैं, और कोशिश कीजिए कि बैक साइड आपकी ब्लैंक हो या सफ़ेद हो। तो यहाँ पे मैं इसको कैप्चर करूँगा, तो हमारी ये कैप्चर हो चुकी है। अब हम इसको यूज फोटो की तरफ यहाँ पे क्लिक करें, पे आपको क्लिक करना है। यदि किसी प्रकार से कोई गलत फोटो आपसे ली जाती है तो आप रीटेक यहाँ से कर देंगे। तो चलिए मैं यूज कैप्चर पे, यूज दिस फोटो पे क्लिक करूँगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो पैन कार्ड नंबर है हमारे सामने लिख के आ गया। आप नेक्स्ट करेंगे, जब आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको नेक्स्ट प्रोसेस कंप्लीट करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसा कि वहाँ पे बताया गया था, पहला हम कर चुके हैं यूजर कंसेंट एंड डिक्लेरेशन फॉर्म को, सेकंड है यहाँ पे पैन वेरिफिकेशन हम कर चुके हैं, अब थर्ड वाले ऑप्शन पे हम आए हुए हैं। यहाँ पे आपको फ्रंट वाली डाउनलोड करनी है, और यहाँ पे आपको जो बैक साइड वाली है वो यहाँ पे अपलोड करनी है। तो चलिए हम इसको अपलोड करके आपको दिखा देते हैं किस प्रकार से आपको ये अपलोड करनी है। जैसे आप यहाँ बीच में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसी प्रकार से इंस्ट्रक्शंस आपके सामने आ जाएंगी। आपको प्रोसीड नीचे की तरफ दिया गया है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। जब आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम यहाँ पे फिर से अपना आधार कार्ड लगा देंगे। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी वाइब्रेशन जो है आपके हाथ में नहीं होना चाहिए। कैप्चरिंग बिल्कुल साफ साफ और ओके होनी चाहिए। हमारे पास जो फोटो है वो बिल्कुल साफ आ चुकी है। हम यूज़ दिस फोटो करेंगे। अब हमें बैक साइड की जो फोटो है वो यहाँ पे ले लेनी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा आधार नंबर और हमारा नाम यहाँ पे शो हो गया है। क्लिक करेंगे, दूसरी साइड जो कैमरा है उसके बीच में आपको क्लिक करना है, और इंस्ट्रक्शन आपको फिर से आ चुकी हैं। आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, और साथ ही आप यहाँ पे आधार कार्ड को बिल्कुल सेंटर में रखेंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यूज़ दिस फोटो करेंगे, या आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो रीटेक पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। मेरे पास पीछे चमक आई हुई थी तो मैंने वो हटाने के लिए दोबारा से पीछे ब्लैंक किया, और अब मैं इसको फोटो को दोबारा लेने की कोशिश करता हूँ। कि इसको किसी भी प्रकार के जो यहाँ पे नंबर डले हुए हैं या कोई भी वर्ड हैं उनको पढ़ने में कैमरे को या कैप्चर करने में कोई परेशानी ना हो सेंसर को, तो आपको ये ध्यान रखना है कि फ़ोटो बिल्कुल साफ होनी चाहिए। यदि आपके मोबाइल में इस प्रकार से कोई कैमरे की प्रॉब्लम है तो आप दूसरा कैमरा, अनदर कैमरा यूज कर लेंगे। उसके बाद यूज दिस फोटो करेंगे। यहाँ पे दोनों जो पिक्चर्स हैं वो बिल्कुल साफ और क्लियरिटी में यहाँ आ चुकी हैं। अब आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पे देखेंगे हमें अपनी जो खुद की फ़ोटो है वो यहाँ पे अपलोड करनी है। आपको ध्यान रखना है यहाँ पे फ़ोटो में आपको नीचे की तरफ कुछ इंस्ट्रक्शन बताए गए हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कोई भी लाइट आपके फेस पे जो है कम ना हो, आपको ध्यान रखना है। और सेकंड जो है, आपने यहाँ पे किसी प्रकार का ग्लास ना यूज किया हो, यानी कि कोई चश्मा वगैरह आपने अपने फेस पे नहीं लगाना हो लगाया हो। उसके साथ यहाँ पे आपको हैट यूज नहीं करना है, यानी कि आपको कोई भी यहाँ पे कोई टोपी वगैरह यूज नहीं करनी। आप इसको देख सकते हैं इस प्रकार से आपको फोटो कैप्चर करनी है, और मोबाइल को बिल्कुल आँखों के सीध में आपको रखना है, और जो लाइट है वो प्रॉपर कंडीशन में वहाँ पे रहनी चाहिए जब आप यहाँ पे सेल्फी लें। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे हम जब सेल्फी यहाँ पे लेंगे तो हमारा ये ग्रीन होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि फ्रेम हमारा ग्रीन होना चाहिए। यदि आप इसको यहाँ पे नीचे की तरफ करेंगे या यहाँ पे आप साइड में कट की तरफ जाएंगे तो यदि आपकी पूरी जो पिक्चर है बीच में सेंटर में नहीं आती है तो ये रेड हो जाएगा, और आपको पता लग जाएगा कि जो पिक्चर है आपकी वो बिल्कुल सही नहीं है, और साथ में आप यहाँ पे कैप्चर भी नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम इसको बिल्कुल सेंटर में करेंगे। देखिए यहाँ पे ग्रीन हो चुका है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे सेंटर में रखना है, और यहाँ पे आपकी
जो पिक्चर है बिल्कुल क्लियर और साफ आनी चाहिए, आपको ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे इसको कैप्चर कर लेता हूँ। हमारी जो पिक्चर है वो कैप्चर हो चुकी है, आपको ध्यान रखना है जब आप यहाँ पे फोटो लें तो प्रॉपर जो है लाइट आपके फेस पे होनी चाहिए। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे आपको अपनी जो पिक्चर है शॉप की वो यहाँ पे अपलोड करनी है। तो दोस्तों आपको अपनी जो पिक है वो यहाँ पे इस प्रकार से आगे पीछे करके और सेट कर लेनी है जहाँ पे ये बिल्कुल एक्यूरेट आपको लगे, बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से आप इसे कर लेंगे, इसमें कुछ ज़्यादा आपको अधिक करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको फ्रेम को बिल्कुल सही से कर लेंगे। और जैसे ही आप ये फ्रेम कर लेते हैं उसके बाद ऊपर की तरफ जो टिक का निशान दिया गया है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और आप यहाँ पे देखेंगे जो पिक है हमारी यहाँ पे एडजस्ट हो चुकी है। उसके बाद आपको नीचे की तरफ आना है और आप यहाँ पे शॉप नेम डाल देंगे, नेम ऑटो फिल होकर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना जो शॉप का नेम है जैसे कि अटल सेवा केंद्र, CSC केंद्र या सुविधा केंद्र, जो भी आपने नाम रखा हुआ है वो यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद आपको अपना जो एड्रेस है शॉप का वो यहाँ पे डाल देना है, जो गली मोहल्ला या जो भी गांव रहेगा वो आपको इस प्रकार से डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आप पिन कोड डालेंगे और नीचे की तरफ आपको यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आपको GST नंबर यदि आपने लिया हुआ है आप डाल देंगे, एनुअल इनकम अपनी सिलेक्ट कर लेंगे जितनी भी इनकम आपकी यहाँ पे है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो एड्रेस रहेगा वो अपना डाल देना है और यहाँ पे जैसे ही आप पिन कोड डालेंगे तो पिन कोड डालते ही आपका जो ऑटो डिटेक्ट कर लेगा आपका एड्रेस को और यहाँ पे पिन कोड से ही आपकी सिटी और जो डिस्ट्रिक्ट रहेंगे वो यहाँ पे ऑटो फिल हो जाएंगे। तो चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो चलिए हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपलोड जो है वो शुरू हो गया है, जो हमने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे। तो पैन कार्ड हमारा अपलोड हो चुका है, अब ये आधार कार्ड जो है वो अपलोड हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे हमारा फ्रंट अपलोड हो चुका है, तो इस प्रकार से प्रोसेसिंग आपको दिखाता रहेगा। बैक साइड भी सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है, अब यहाँ पे सेल्फी अपलोड हो चुकी है और जियो टैग इमेज अपलोड सक्सेसफुली। तो आपका जियो टैग रहेगा, जो आपने फ़ोटो ली है वो यहाँ जियो टैग से जो है वो फ़ोटो अपलोड होगी। तो यहाँ पे कंग्रेचुलेशन ऑन बोर्डिंग कम्प्लीटेड, तो जो आपका एड्रेस रहेगा वो यहाँ पे कम्प्लीट हो चुका है। तो आपको ध्यान रखना है जब आप फ़ोटो अपलोड करें तो फ़ोटो आपकी जहाँ पे आपका सेंटर है वहीं से अपलोड करनी है, तो आपकी जियो टैगिंग के अनुसार आपकी फ़ोटो जो है वो अपलोड होती है। उसके बाद ये कंप्लीट लिख के आ जाता है, जैसे ये कंप्लीट हो जाता है फिर आपको यहाँ पे कंप्लीट पे क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे हम यहाँ पे डैशबोर्ड पे आ चुके हैं। जब आप यहाँ पे डैशबोर्ड पे आ जाते हैं यहाँ पे आपका जो नंबर है, जो हेल्प डेस्क का नंबर है, वो लाइव हो चुका है, ऐसे नोटिस आपके सामने आ जाती है। उसके बाद आप क्रॉस करेंगे, क्रॉस करने के बाद मनी ट्रांसफ़र या अन्य जितनी भी सर्विसेज हैं उनके बारे में मैं टोटली जानकारी आपको यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूँ। यहाँ पे KYC आप कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद ऐड मनी और मनी ट्रांसफ़र और आप किस प्रकार से आधार से जो पेमेंट है वो निकालेंगे वो पूरी जानकारी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूँ। वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप इसको देख लेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और ऐसी जानकारियाँ लगातार पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। तो धन्यवाद दोस्तों, जल्द मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।